हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे फ्रेंड्स, हमारा देखिए, इफ़ यू कैनॉट स्कैन द डिवाइस प्लीज ट्राई रीस्टार्टिंग ब्लूटूथ एंड क्लिक रीबूट। तो आपका डिवाइस फ्रेंड्स आपकी वॉच को स्कैन नहीं कर पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप। पूरा आपको वीडियो देखना गाइस 100%। ये जो आपकी स्कैन की प्रॉब्लम है, हमारे ब्लूटूथ में एरर आने की वजह से ऐप के अंदर फ्रेंड्स उसके अंदर भी एरर आ जाता है, इस वजह से ये हमारा स्कैन नहीं कर पाता। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे फिक्स करना है ये बताया हूँ और 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ और चाहिए आपको फिट प्रो ऐप पे, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले गाइज हमें अपनी सेटिंग में जाना है, तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ आपको देखिए ऐप्स दिख रहा है, ऐप्स पे क्लिक करना है। फिर आपको ऐप मैनेजमेंट दिखेगा, ऐप मैनेजमेंट में आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ आपको 3 डॉट दिख रहे हैं ऊपर, 3 डॉट पे आपको अब क्लिक कर लेना है। देखिए हमें अभी 3 डॉट आपको राइट हैंड साइड दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आपका कोई भी मोबाइल हो फ्रेंड्स, आपको सेम टू सेम जो स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही करना है। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सो सिस्टम दिखा है, सो सिस्टम पे आपको क्लिक करना है। गाइज अब आपको इधर स्क्रोल अप करना है और यहाँ आप सर्च करके भी लिख सकते हो, स्क्रोल भी कर सकते हो। तो मैं आपको स्क्रोल करके बता देता हूँ। गाइज सबसे पहले हमें फ्रेंड्स अपना ब्लूटूथ दिख रहा है, जो ये ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। तो आप जैसे स्क्रोल अप करेंगे बी के लिस्ट के अंदर हमें ब्लूटूथ दिख जाएगा, तो ब्लूटूथ पे आपको क्लिक करना है गाइस। और यहाँ हमें स्टोरेज यूसेज दिख रहा है 635 KB का। गाइस हमारे ब्लूटूथ में एरर आने की वजह से हमारा स्कैन जो है वो वॉच को ढूंढ नहीं पाता, स्कैन नहीं कर पाता है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो गाइस इसे हमें एरर को फिक्स करने के लिए इसका पूरा डाटा क्लियर करना पड़ेगा, ब्लूटूथ को न्यू करना पड़ेगा। तो हमें क्लियर डाटा इसका कर देना है। अब गाइस अब हमको बैक जाना है और यहाँ आपको फ्रेंड्स नेटवर्क भी रिसेट करना है। बहुत कुछ जो आपको बताने वाला वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, 100% जो आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो हमें स्क्रॉल अप करना है गाइस, यहाँ फिट प्रो ऐप है, आपको फिट प्रो ऐप मिल जाएगा ऐप की लिस्ट में। इसका भी स्टोरेज यूसेज इसको आपको पूरा क्लियर कर देना है, क्लियर ऐप डाटा क्लियर कैच, तो इसको आपको पूरा क्लियर करना है। और इसको अभी आपको परमिशन भी इसको अलाउ कर देना है। तो यहाँ जो आपको परमिशन बता रहा हूँ वो आपको सब अलाउ करना है। तो परमिशन हमें फ्रेंड्स नेरबी डिवाइस तो पहले से ही हमारा अलाउड होता है, कॉल लॉक्स कैमरा कॉन्टैक्ट लोकेशन, आपको लोकेशन फ्रेंड्स आपकी ऑन नहीं होती है तो वॉच को फाइंड नहीं कर पाता, इसलिए लोकेशन आपको ऑन रखना है। SMS परमिशन सब आपको दे देना गाइस, तो ये आपकी वॉच बिना रुके काम करेगी, इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, एरर नहीं आएगा आपके वॉच पे, सब आपको परमिशन दे देना है। तो आपको अपनी सेटिंग सारी ऑन कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स अभी जो नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है 100%। फिर आप जब स्कैन करोगे आपका स्कैन हो जाएगा और आपको दिख जाएगा। तो आपको बैटरी में भी जाना है फ्रेंड्स, बैटरी अलाउ फोरग्राउंड एक्टिविटी, अलाउ फोरग्राउंड एक्टिविटी दोनों चालू कर लेना, अलाउ ऑटो लंच भी कर लेना गाइस। आप फ़ोन बंद कर देते हो फिर उसके चालू करते खुद ब खुद ये ओपन हो जाए, इसलिए अलाउ ऑटो लंच का ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ हमारी सेटिंग हो चुकी है, अब हम दूसरी सेटिंग में जाएंगे गाइस। तो गाइस अब हमको नोटिफिकेशन एसएस ऑन करना है, डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स ये आपका जो फ़ोन होता है वहाँ से जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, आपका कॉल विल आते हैं, सब अलाउ करेंगे हम इसके अंदर वॉच में शो होगा, तो ये सब अलाउ करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपकी वॉच काम नहीं करेगी। तो आपको ऑल फाइल एसएस में जाना है, या आप सर्च करके भी लिख सकते हो, सेटिंग में देखिए स्पेशल ऐप एसएस के अंदर ही आपको ऑल फाइल एसएस में मिल जाएगा। और यहाँ हमारा फिट प्रो दिखा रहा है, इसका डैनी है, इसकी सेटिंग में डैनी है, मतलब इसको परमिशन नहीं दी गई है फ्रेंड्स, हमको अलाउ करके इसको परमिशन देना है डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन में। तो आपको कोई भी मोबाइल फ्रेंड उसके अंदर आपको ये ढूंढ लेना है ऐप सिस्टम नोटिफिकेशन एसएस, तो आपको ये मिल जाएगा, आपको चालू कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ आना है और यहाँ आपको लिखना है फ्रेंड्स नेटवर्क रीसेट, आपको अपना जो भी नेटवर्क है फ्रेंड्स उसको रीसेट कर देना है पूरा का पूरा। नेटवर्क देखिए रीसेट नेटवर्क सेटिंग आपको दिख रहा है, अभी सिर्फ इतना लिखोगे रीसेट नेटवर्क सेटिंग या नेटवर्क रीसेट भी लिखोगे तो आपको आ जाएगा, या आप खुद से ढूंढ के भी कर सकते हो रीसेट नेटवर्क सेटिंग। जितना भी हमारा ब्लूटूथ में है फ्रेंड्स, वाईफाई में जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इस पर आपको फिर से एक बार क्लिक करना है, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, हमारा अब रीसेटिंग हो रहा है। जैसे रीसेट हो जाएगा सर गाइस, हमारा जितना भी जो प्रॉब्लम है अब सॉल्व हो जाता है। सिर्फ आपको एक काम करना है गाइस, आपको अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, 2 मिनट तक आपको स्विच ऑफ रखना है फिर ऑन करना है। और गाइस अब आपको कनेक्ट करना है,
इसके अंदर सबसे पहले आपको लॉगिन हो जाना है, फिर आपको कनेक्ट करना है। तो फिट प्रो ऐप में आप लॉगिन हो जाना। देखिए अभी मेरा डिवाइस डिसकनेक्टेड है, मैं दूसरा वीडियो भी बना रहा हूँ गाइस आपको अपना डिवाइस कैसे कनेक्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। आपको अपना डिवाइस कनेक्ट कैसे करना है और आपको दूसरे भी इसमें वीडियो मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।